नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ग्रीन लाइफ डायरीज पर और हमारे छत वाले किचन गार्डन पर, टेरेस गार्डन पर। हमने कोरोना काल में गार्डनिंग शुरू की थी, जब सभी लोग घर में बंद होकर रह गए थे, तो तब सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि अपने आप को बिजी रखा जाए, इंटरनेट से दूर या मीडिया से दूर। सो हमने प्लानिंग की कि ऐसा करते हैं कि एक गार्डन बनाते हैं छत पर, क्योंकि नीचे घर में इतनी जगह नहीं थी बनाने के लिए। सो हमने ऐसा किया कि अपनी छत को थोड़ा सा रेनोवेट करके लुक वगैरह डलवा कर छोटे से गार्डन की शुरुआत की थी। सो दोस्तों, मैं आपको अपना सारा गार्डन अभी दिखाऊंगा। तैयारी में मैं और मेरे सारे परिवार ने मेरा साथ दिया, हम सभी लोगों ने मिलकर इसको तैयार किया। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारी जो ज़मीन है यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर पड़ जाती है। जो भी आपने सब्जी लगाई है अपनी ज़मीन पर, अगर उसको लेने भी जाना तो आधा घंटा और एक घंटा लग ही जाता था। सो ऐसा किया कि हमने अपनी छत पर ही सारी सब्जियां पैदा कर ली। सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये था कि जब भी आपको ज़रूरत पड़ती है किचन में कुछ बनाने के लिए, कुछ पकाने के लिए, तो आप झटपट अपने जो आपका गार्डन है पास में, आपने घर में आंगन में बना रखा है, जहाँ आपने गार्डन अपनी छत पर बनाया हुआ है, तो आप वहाँ से धनिया, पालक, मिर्च, जो भी आपको चाहिए वो आप फटाफट तोड़ सकते हैं और वहाँ से ले जाकर बना सकते हैं। सब्जी वाले भी कम आते हैं, तो कभी आ जाते हैं, कभी नहीं आते हैं, कभी हमारे पास टाइम नहीं होता कोई भी चीज़ लेने के लिए, या कैसे भी हो आगे पीछे होते हैं। तो जब हम सोचते हैं कि सब्जी बनाना है यार, धनिया है नहीं है, लहसुन है नहीं, मिर्ची है नहीं, है ना। दोस्तों सबसे बड़ी बात तो ये कि हम इन बच्चों को, इनको जो इस गार्डन में इन्वॉल्व कर सकते हैं, इनको पता चले कि कैसे चीज़ को बोया जाना है, कैसी चीज़ को उगाना है, तो इनको इन्वॉल्व करें, अपने बच्चों को अपने साथ इन्वॉल्व करें गार्डन के काम के लिए, जो ग्रीनरी का काम है। अभी दोस्तों आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो को सारा देखें, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे, हमारा गार्डन अच्छा लगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, इस पर कमेंट्स देना, वीडियोस को लाइक करना। जो भी हमारे टेरेस किचन गार्डन में है आपको दिखाते हैं वन बाई वन, और कुछ सजेशंस अगर आपके पास होंगे तो बताना जरूर इसके बारे में। तो आइए घूमते हैं टेरेस किचन गार्डन। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं गार्डन की इस साइड से। तो मनिंदर आपको बताएगी कौन कौन सी चीज़ हमने पहले लगाई थी। सबसे पहले तो जो हमने छत पर जो हमने क्यारी बनाई थी, यही वाली बनाई थी। हाँ जी बताइए जी, आप कौन कौन सी चीज़ पहले लगाई थी हमने जी? हमने सबसे पहले ये वाइट वाला बैंगन लगाए थे, जो हमने खूब खाए हैं, सारिया गर्मियाँ सब खाए हैं, तो और सर्दियों में इसे काट दिया हमने। तो अब ये देखो कि नेक्स्ट स्टार्ट हो गया है, यू आने के प्रोसेसिंग का स्टार्ट है। और नीचे हमने प्याज लगाया कि जो नीचे जो जगह है खाली बची हुई है उस पे हमने प्याज लगा दिए, इनको काट दिया था इसलिए हमने प्याज लगा दिए, जब तक वो बड़े होंगे तब तक प्याज निकल जाएंगे। आइए आगे देखिए, यहाँ हमने लगा रखी है बंद गोभी। आगे आपको दिखाते हैं हमारा नींबू का जो पेड़ है, काफ़ी फल फूल रहा है, इसके बारे में अलग से वीडियो बनाएंगे। ये नींबू सर्दियों के लिए, जो मेन सर्दियों में इसके नींबू निकलते जाते, ये देखिए आप, ये गर्मियों में निकलेंगे ऐसे स्टार्ट हो रहे हैं। और दोस्तों ये देखिए हमारा जो हमने ऑर्गेनिक खाद बनानी है, अपने जो कचरा रसोई से निकलता है उसको वर्मी कंपोस्ट के साथ और मिट्टी के साथ यहाँ पर मिक्स करके रखा हुआ है। 3 महीने के बाद लगभग हमारी जो कि ऑर्गेनिक खाद तैयार हो जाएगी, वो भी आपको दिखाएंगे बाद में। आइए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर हमने लगाई है मूली इस साइड में, और ये देखिए हमारी पालक, और ये है दोस्तों हमारी काली गाजर। आपने गाजर, लाल गाजर तो देखी होगी, ये है काली गाजर, अभी थोड़ी छोटी है ये। तो आइए दोस्तों आगे चलते हैं। ये धनिया, दोस्तों बताता चलूं कि ये सारा जो लगाया हमने छत पर ही लगाया हुआ है। हाँ, ये देखिए मटर लगाए थे ना बॉटल में, ये है बॉटल में मटर लगाए हुए थे, तो अभी फली आ गई है। आइए आगे चलते हैं। और ये भी है मटर, यहाँ नीचे जो लगे हैं उनमें भी फली आने लगी है। ये दोस्तों हमने ग्रो बैग मंगाए थे, तो उन ग्रो बैग्स में हमने बैंगन लगा रखे हैं, अभी सीजनल जो है ठंडी में जो होंगे, तो साथ में ये इन बड़े ग्रो बैग्स में हमने मूली, जो कि जिसे बोलते हैं पहले तो सीड से उगाकर बड़ी की है, पनीरी बनाई इसकी।
ट्रे में इसकी छोटी सी इसकी पौध तैयार कर फिर अभी लगाए, वन बाई वन लगाई हुई है। देखिए आइए दोस्तों आगे चलते हैं। ये गुआवा ये मैंने चेन्नई से एक्सपोर्ट करवाया था, दो प्लांट्स इसके लगाए हुए हैं। और ये मेरा जामुन का जो पौधा है, ये वाइट जामुन है दोस्तों, इसको जो वाइट जामुन लगेंगे, जो इसका मैंने बेस बनाया दोस्तों, ये प्लास्टिक का ड्रम मिल जाता है आपको कहीं भी खाली मिल जाएगा 800-900 में, उसको काट कर मैंने दो हिस्से कर लिए, इसको पेंट कर लिया और इसके लिए सफिशिएंट पौधों के लिए। और ये हमारा ऑल टाइम मैंगो, आगे फिर मैंने गुआवा लगाया, दोस्तों ये हमारा लहसुन की वीडियो पहले भी डाली हुई, ये देखिए काफ़ी बढ़िया तरीके से फल फूल रहा है प्लास्टिक के कप्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने इसका लिंक डाला हुआ है इस वीडियो का। आइए आगे चलें। ये हरे वाले प्याज लगाए, ये वाली क्यारी दोस्तों हमने अभी खाली रखी है, इसमें भिंडी लगाएंगे। तो भिंडी का बीज जो अभी लगना है वो 15 फेब के बाद ही लगेगा, तो तब तक के लिए इसको खाली छोड़ रखा है। और इन ग्रो बैग्स में लगी हुई है मिर्च, हरी मिर्च, इन मटरों में भी फलियां आ गई हैं। ये कुछ हमने फूल लगाए हैं बीच में, पैंसी के फूल देखिए। और ये आप सभी की फेवरेट लेटस, खूब फल फूल रही है यहाँ पर और हमारे टेरेस किचन गार्डन की शोभा बढ़ा रही है। इसी तरीके से दोस्तों सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैंने वेस्ट मटेरियल का जो उपयोग किया, देखिए पाइप, पुरानी पाइप पड़ी थी घर में उसका मैंने इस्तेमाल किया हुआ है, लेटस सारी पुरानी पाइप में बीच में से काट कर बीज डाले हुए इसमें। इसी प्रकार यहाँ भी आज भी जहाँ लेटस लगा दी मैंने दोस्तों, कहने की बात तो ये कि आपको बाजार से जब भी आप कोई चीज लेके आते हो सब्जी फल फ्रूट वगैरह खाने के लिए, तो हमेशा रहता है मन में कि पता नहीं कितनी स्प्रे डाली होगी, कितनी दवाई डाली होगी बीच में। सो यहाँ पर अगर आपने अपने घर में किचन गार्डन बना रखा है, अपने छत पर बना रखा है, तो आपको कम से कम इतना भरोसा तो होगा ना कि हम जो खा रहे हैं बिना दवाई के बिना खाद का ये है, इसमें कोई भी हानिकारक केमिकल नहीं डाले गए, हमारे जब बच्चे इस चीज़ को खाएँगे तो बीमार कम पड़ेंगे। सो ये देखिए आगे हमारे हैंगिंग टमाटोज, जो मैं आपको दिखा चुका हूँ पिछली वीडियो में भी आपने देखा है इसको। इस तरफ हमने वाइट ग्रो बैग्स रखे हुए हैं, ये देखिए इसमें किसमें टमाटर है, किसमें शिमला मिर्च लगाई हुई है हमने, तो कुछ बैग्स में हरी मिर्च है। तो दोस्तों ये देखिए हमारे टेरेस किचन गार्डन का एक व्यू, तो दोस्तों ये था छोटा सा इंट्रोडक्शन आपका हमारे टेरेस किचन गार्डन से, आपको हमने दिखाया कि हमने कौन कौन सी चीज़ें जो ऊपर लगा रखी हैं, तो आपके सजेशन भी मोस्ट वेलकम है। और आपसे एक ही गुजारिश है कि आप हमारे चैनल ग्रीन लाइफ डायरीज़ को जरूर सब्सक्राइब करें, इससे थोड़ा हौसला मिल जाता है कुछ और नए कॉन्टेंट बनाने का।
सो तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं, फिर आएंगे नए कंटेंट के साथ। सभी को नमस्कार, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।